मतलब मैं कहना चाहूँगा जो नशे पते से दूर रहे और मतलब हर रोज डेली ग्राउंड पे जाए और 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम है अपना मतलब पसीना निकाले और अपना गोल बनाए और देश के लिए मेडल जीतने के। ओलंपिक रेसलर और अर्जुन पुरस्कार विजेता दीपक पुनिया आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी क्रीडा मंच के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। दीपक पुनिया ने बताया कि बिहार आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। पटना के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया है। वहीं दीपक पुनिया ने यह भी कहा कि ओलंपिक के बाद आगे जो विश्व चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए उनकी तैयारी जमकर की जा रही है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वे नशा छोड़े और जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो मैदान में आ जाए और जमकर पसीना बहाए और जमकर मेहनत करे जिससे मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर सके। पटना में पहुँचते ही मतलब इतना भव्य स्वागत मेरा किया है तो मैं सभी पटना वासियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहते थे, किस तरह का आपका अनुभव था और जब सम्मान मिला आपको तो फिर क्या क्या मन में चल रहा था? दीपक पुनिया जी पटना आगमन पे आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको? देखो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने की, मतलब इतना अच्छा इतनी अच्छी फीलिंग आई कि मतलब मैं सभी पटना वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो इतना सम्मान और प्यार आशीर्वाद इतना प्यार आशीर्वाद दिया मेरे को तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओलंपिक के बाद अब किस तरह की तैयारी, आगे भी बड़े बड़े चैंपियनशिप हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखो जी वो तैयारी तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, अभी आने वाले हैं 5-6 महीने में जी, तो अभी उसी के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। युवाओं को क्या टिप्स देंगे, जो युवा हैं जो रेसलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखो जी युवाओं को यही मतलब मैं कहना चाहूँगा जो नशे पते से दूर रहे और मतलब हर रोज डेली ग्राउंड पे जाए और 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम है अपना मतलब पसीना निकाले और अपना गोल बनाए और देश के ये मेडल जीतने के मतलब ये सोच रखे कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं, चाहे वो कोई भी गेम हो, रेसलिंग हो, कोई भी बॉक्सिंग हो, कुछ भी है चाहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गेम करेंगे तो उससे हमारा शरीर भी फिट रहेगा और हमारा जो भी है वो बहुत अच्छा रहेगा, नशे पते से भी हम दूर रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।